हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीटी मैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो शाहजहांपुर स्टेशन की नई और ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर कब होगा ट्रेनों का संचालन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, यात्री सुविधाओं के लिए पानी की टंकी एकदम शाहजहांपुर स्टेशन पर चालू है। और ये देखिए दोस्तों, फर्श और यहाँ पर दोस्तों जो फाउंडेशन बनाए हुए हैं, ये फुट ओवर ब्रिज के फाउंडेशन लग रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन अभी शाहजहांपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाया गया है, क्योंकि दो प्लेटफार्म बना लिए गए हैं शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर, एक नंबर और दो नंबर, जो NER वाला रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इसकी अपडेट है ये, और हमारे साथ वीडियो पर दोस्तों बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, ये बेंचेस सब रेडी हैं और यात्री सुविधाओं की लगभग कमियां जो हैं वो थोड़ी बहुत रह गई हैं। छोटे छोटे टीन शेड भी बना लिए गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से छोटा पोटा दोस्तों जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है यात्री सुविधाओं का, वो भी दोस्तों पूरा किया जा रहा है। लेकिन शाहजहांपुर से और पीलीभीत के बीच में दोस्तों, यानी पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन दोस्तों अभी तक नहीं हुआ है, जबकि पीलीभीत रेलवे स्टेशन से और बरेली सिटी और टनकपुर के बीच में 6 जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन दोस्तों बारी बारी किया जा रहा है, जिसके लिए दोस्तों दो वीडियो में डाल चुका हूँ। फिलहाल ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दूसरा वाला दोस्तों स्टेशन का नज़ारा है। सामने दोस्तों जो NR वाला स्टेशन है, जो पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड है, और डबलिंग वाला बरेली से और लखनऊ के बीच में पूरा रूट है। फिलहाल दोस्तों ये देखिए, कुछ आउटर साइड का भी व्यू दिखाया है। एक ब्लॉग तरीके की ये वीडियो दोस्तों हमें बनाकर भेजी है नितिन कुमार जी ने, जिनका इंट्रो आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। आप भी हमें वीडियो बनाकर भेजना चाहें रेलवे के किसी वर्क से रिलेटेड, तो आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परमानेंटली मौजूद रहता है, और वीडियो की स्टार्टिंग में भी दोस्तों हमने अपना नंबर लगा दिया है, वहाँ से दोस्तों आप नंबर लेकर हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर जो ट्रेनों का संचालन है वो नहीं हुआ है, जबकि पीलीभीत से पीलीभीत स्टेशन पर पूरी दोस्तों बाहर आ चुकी है और रौनक आ चुकी है। दोस्तों, जो 6 जोड़ी एक्सप्रेस अनारक्षित चलाई जा रही हैं, जो COVID-19 से पहले दोस्तों चलाई जाती थी, वैसे ही दोस्तों सारी ट्रेनों का संचालन बारी बारी किया जा रहा है। और जिसमें दोस्तों पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर कोई भी लिस्ट और कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है ट्रेनों के संचालन की। दोस्तों, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं और कि जो पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो काफ़ी तेज़ गति में किया जा रहा है। निगोई रेलवे स्टेशन से आगे निकल चुका है वायरिंग का काम, कुछ ही दोस्तों काम वायरिंग का बाकी रह गया है। लगभग दोस्तों नवंबर के आसपास दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और जब दोस्तों CRS हो जाएगा जो इलेक्ट्रिफिकेशन का, और उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है उससे हरी झंडी मिल जाएगी इलेक्ट्रिक से, इसी के बाद ही दोस्तों ट्रेनों के संचालन होने की संभावना दोस्तों नज़र आ रही है। और हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी खबर मिली है कि दोस्तों लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन होगा, यानी दिवाली के बाद दोस्तों होने की संभावना है। फिलहाल दोस्तों उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो दिवाली के बाद है वो होने की संभावना दोस्तों हमें नज़र आ रही है। हमने अपने इससे पहले की जितनी भी वीडियो डाली उसमें दिवाली के आसपास ही दोस्तों आपको पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन के बारे में बताया। फिलहाल दोस्तों ये पीलीभीत की दिशा है, और ये ढकाताल का दोस्तों सामने एरिया है, और ये सामने दोस्तों ये देखिए, ये प्लेटफार्म नंबर 2 का नज़ारा है, 1 नंबर से लिया गया दोस्तों ये वीडियो है। वीडियो काफ़ी अच्छा बनाकर भेजा है। फिलहाल दोस्तों पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर दोस्तों जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही दोस्तों नज़र आ रही है संभावना, क्योंकि पीलीभीत से टनकपुर और बरेली रूट पर दोस्तों इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, सारे इलेक्ट्रिक इंजन से ही दोस्तों ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों संभावना ये भी नज़र आ रही है। और दोस्तों पीलीभीत से शाहजहांपुर की ट्रैक पर दोस्तों 2 जोड़ी ट्रेनों का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव की भी अभी कोई और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। फिलहाल जो भी होगा, अपने चैनल से ऐसे ही शाहजहांपुर स्टेशन की और सारी अपडेट देते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल से बने रहिए। फिलहाल दोस्तों हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।